आज भगवान का तीसरा रूप का वर्णन है, भगवान का विराट रूप। विराट रूप में किस तरह चार विभाग किया है हम लोग, पहले दो ब्राह्मण और क्षत्रिय के विषय में हम लोग पढ़ चुके। ब्राह्मण है ने क्या है, ब्राह्मण भगवान का मुख है और क्षत्रिय भगवान के भुज है। ब्राह्मण ब्रह्म जाने की ब्राह्मण भगवान के, वो ब्राह्मण हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते थे, पठन पाठन यजन याजन दान देना दान लेना, एक षटकर्म विपुण निप्रो षटकर्म निपुण मंत्र तंत्र विचार ब्राह्मण यही करते थे। वो राजा के दरबार में रह के राजा को सलाह देने का और सभी का मंत्र शिक्षा देने का शिक्षक। हम लोग रामायण में भी देखते दशरथ महाराज का बाल सफेद हुआ तो वो अपने गुरु के पास जाते और बोलते अभी मैं क्या करूं, तभी बोलते हैं आप अपने बेटे को राजा बने। जो भी राजा के पास मंत्रणा करने के लिए ब्राह्मण रहते थे, हर एक जीव को मनुष्य को कोई भी दुखी धन कोई रहने तो ब्राह्मण के पास जाके पूछते थे। अभी भी हम लोग देखते हैं जो भी कष्ट में है कोई तो तुरंत ब्राह्मण के पास देते, हॉरोस्कोप लेके जाते, देखिए वो गुरुजी इसके कुंडली में कुछ तकलीफ है क्या, कोई बीमार है तो ब्राह्मण के पास अभी भी लोग जाते क्योंकि सलाह पूछते, कुछ कंटक है क्या। वो ब्राह्मण बोलेगा इसको मृत्युंजय जप करो, उसको ये पूजा करो वो पूजा, अभी भी हम लोग ब्राह्मण की शरण में जाते। भले ही पहले जैसे ब्राह्मण नहीं है मगर वो लोग आजीवक्ता के लिए ब्राह्मण जो अपने कर्म करते हैं वो थोड़े लोग ब्राह्मण में स्थित है। अभी धीरे 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 क्या हुआ, ये कलयुग के प्रभाव के कारण ब्राह्मण लोग अपने जो वृत्ति थे सिर्फ भगवान का ध्यान करना पठन पाठन करना वो छोड़ के सब जॉब में लग गए। जॉब में लगना है शूद्र बन गए, दूसरों का सेवा करना है शूद्र है ना। धीरे 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 ब्राह्मणत्व कम होने लगा और वो शूद्र अभी बहुत कम। इसमें भी बताए ब्राह्मण में भी जो वैष्णव है ब्राह्मण से भी वैष्णव शुद्ध है, जो ब्राह्मण से जो वैष्णव शुद्ध है वो गुरु आचार्य बन सकता है। चैत्र महाप्रभु बताए जन्म नहीं जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्री, जो आचरण जो करते हैं वो आचरण से हम लोग उसको जान सकते। अभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मणत्व नहीं, अभी तो हम लोग सब देखते ब्राह्मण कुल में है वो नॉन वेज का होटल में पूरा भरे रहते, सिगरेट पान बीड़ी शराब सब जगह हम लोग, अभी उन लोग का ब्राह्मण का तो रही नहीं गया कलयुग के प्रभाव से। पर जो वैष्णव है वैष्णव में जाति भेद नहीं रहता है, वैसे बोलता है ना ऋषि का कुल नदी का मूल नहीं जानना चाहिए, ऋषि का कुल और नदी का मूल। फिर हम लोग देखते हैं ये वाल्मीकि रामायण के लिखा हुआ वाल्मीकि कौन थे और नदी कहाँ उद्गम होता है उसका मूल हम लोग जान नहीं सकते हैं। ये भी बोलते हैं दोहे में बोलते हैं ना जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का बिना पड़े रहने दो म्या। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही सिखाए जो कृष्ण तत्व वेदता है वही ब्राह्मण, जो कृष्ण का तत्व को जो जानता है वो, अगर वो चांडाल कुल में जन्म लिया हो नीच कुल में जन्म लिया हो मगर जो कृष्ण तत्व वेदता वही ब्राह्मण। और इधर भगवान ब्राह्मण ये बताए अग्नि, भगवान का मुख कहने अग्नि अग्नि जो हम लोग अभी सब रिवायत पढ़ के आए। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय ने भगवान का भुजा है, वो समाज का रक्षा करने वाले हैं,
समाज को रक्षा, वो सब चोर उचोकों को भगाने वाले, देश का रक्षा करने वाले हम लोग देखते कलयुग का वर्णन में भी आता है। कलयुग का वर्णन में मैं पीछे भी एक श्लोक स्टोरी बताया था आपको, एक खेत में चारों ओर कुंपण लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, मगर अभी कलयुग में क्या हो गया है, जो प्रोटेक्शन करने वाला ही वो खेत को खा रहा है। ये धीरे 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 ये वर्णाश्रम धर्म कम होते, उसका महत्व कम होते जा रहे धीरे धीरे धीरे। और क्षत्रिय लोग अपने को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। इसके लिए 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। ये हम लोग देखते हैं क्षत्रिय धीरे 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 क्षत्रिय अपना जो भगवान ने नियम बनाया था उस नियम को तोड़ के और कलयुग के प्रभाव से नीचे गिरने लगे। अभी तीसरा आता है, पहले भगवान का मुख आ गया, भगवान का भुजा आ गया, अभी तीसरा इसमें वर्णन कर रहे हैं जंग। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, भगवान ये चार वर्ण का किसके वजह से किया है, गुण और कर्म, जो सतो गुण है ब्राह्मण है, रजो गुण है क्षत्रिय है, और रजो और तमो गुण मिश्रित है वैश्य है, और तमो गुण है शूद्र है। भगवान बता रहे चारों गुणों कर्म से मैंने ये विभाग किया है। ऐसे देखा तो भगवान का विश्व विराट रूप में हम लोग उनका एक मुख बाहु उदर पांव एक समान ही लगता है हम लोग, उसमें कुछ ऊंचा नीचा नहीं, मगर भौतिक दुनिया में वो अलग है। भौतिक दुनिया में चरण को इतना वैल्यू नहीं है, सिर्फ मुख को ही वैल्यू है। इधर बता रहे वैश्य, वैश्य ने भगवान का जंगा, भगवान के जंगाओं से वैश्य उत्पन्न हुए। वैश्य का धर्म क्या है, भगवत गीता में भी भगवान बता रहे वैश्य का धर्म है गो रक्षा वाणिज्य उत्पादन, वैश्यों का धर्म है। ये ब्राह्मण लोग कुछ कर्म नहीं करते थे, जो क्षत्रिय राजा लोग वैश्य व्यापारी लोग उनको जाके जाके उनको सब मदद करते थे, उनको आजीवन के लिए क्या चाहिए उनके सब सब मदद करते। हम लोग रामायण के कहानी में भी देखते हैं श्री रामचंद्र उनको कितना दान दिया, राजा लोग दान दिए तो वो लोग ज्यादा नहीं लेते थे, अपने हिस्से में कितना चाहिए उतना ही लेते, वापस वो राजा को ही लौटा देते थे। सर वैसे प्रथा था। आज क्या हुआ है, कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण तो नहीं क्षत्रिय नहीं, अभी थोड़े है वैश्य और शूद्र, उन्हीं से अभी राजकार्य चल रहा है। अभी हम लोग देखते इसमें एडवर्टाइजमेंट आता है ना मोबाइल में, आपको इतना मिला है, क्या मिला है, प्राइज मिला है, आप आइए उसको अपना गिफ्ट लीजिए, आपको कार मिला है आप आइए। ये सब अभी बिजनेस चल रहा है, ये सब बिजनेस अभी हम लोग देख सकते हैं। पहले भगवान ने किस तरह से ये विभाजन किया था, पहले वाणिज्य लोग यानी व्यापारी लोग कैसे थे वो हम लोग देख सकते थे, कैसे जहाज के ऊपर से एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके जाते थे बड़े बड़े सहाय लोग। और इधर बता रहे किसान, खेती में किसान करते, किसान वो जो भी उत्पन्न करता है वो भगवान के नाम से जो फसल निकालते वो भगवान के लिए भी अर्पण करते थे। ये जो क्या और बता रहे इधर जमींदार वो भी जमीन का मालिक जमींदार, सेठ, हम लोग ऐसे विख्यात नाम देखते हैं हम लोग, अभी कहानी में भी बहुत हम लोग को देखने को मिलता है। और इधर बैंकिंग यानी साहूकारी, अभी हम लोग बैंक में जाके सोना रखते और उससे
पैसा लेते थे। पहले ऐसा नहीं था, जमींदार के पास जाते थे, जमींदार के पास पैसे रखेंगे, जमीन रखेंगे, गिरवी रख के उनसे पैसा लेते थे और उसको वो लोग वापस लौटाने के बाद उनको देते थे। मगर धीरे 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 क्या हुआ, एक जमींदार वो सब कम हो गया। अभी कृषि गोरक्षा किसान, किसान और व्यापारी थोड़ा देखने को मिलते। पहले व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह हम लोग इनके स्टोरी में देखते हैं ना, मदन मोहन मंदिर का जब ये हुआ तो सनातन गोस्वामी उधर बैठ के बैठे हुए थे इमली तला में, तब व्यापारी का एक जहाज आके उधर नदी में फंस गया। तभी वो आके व्यापारी आके सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की, तो सनातन गोस्वामी ने भगवान से प्रार्थना किया तो तुरंत वो जहाज ऊपर आया और वो अपना व्यापार करके आए। जो व्यापार से जो लाभ हुआ था वो आके सनातन गोस्वामी को बोला, ये आपका है। तभी सनातन गोस्वामी ने मदन गोपाल मंदिर पर, उसी तरह हम लोग उड़पी कृष्ण का मंदिर का भी वो हम लोग देखते। उड़पी कृष्ण का मंदिर में वो इस समुद्र में एक जहाज आके फंस गया। तभी वो गांव वालों को बुलाया, वो साहूकार ने सेठ ने, आइए मदद करो। अरे वो लोग बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उधर पहाड़ के ऊपर स्वामी जी बैठे माधवाचार्य। तभी वो जाके वो सेठ जाके माधवाचार्य के चरण पकड़ता है, मेरा जहाज पानी में फंस गया। तो सिर्फ उधर बैठे बैठे माधवाचार्य अपने कंधे के ऊपर डाला हुआ शॉल ऐसे घुमाया, उन्होंने ऐसे घुमा दिया ऐसा, वो घुमाते ही इतना जोर से तूफान आ गया, वो जहाज ऊपर आ गया और वो सेठ वो जो मालिक था वो खुश हो गया। उसने बोला माधवाचार्य को, देखो इसमें गोपी तिलक है, चंदन है, आपको ये उस जहाज में सब सामान भरा हुआ था, आपको जो चाहिए वो सामान ले लो करके माधवाचार्य को बोला। माधवाचार्य जी ने क्या किया, बड़ा बड़ा दो गोपी तिलक का ये पत्थर उठा के, वो दोनों हाथ से दो पत्थर उठा के आए जहाज से। फिर एक पत्थर उधर थोड़े समुद्र के किनारे आते आते एक हाथ से वो फिसल के गिर गया, वो गिर गया, उसके अंदर बलराम का विग्रह था। वो अभी भी जो उड़पी जाएगा तो वो वड़भांडे करके एक स्थान है, उधर बलराम का विग्रह मिलता है। और दूसरा विग्रह वो उठा के दूसरा मट्टी चंदन का वो पत्थर उठा के लाए और उड़पी में आके वो एक या तो धोया तो उसके अंदर साक्षात भाव कृष्ण का विग्रह मिला वो दूसरे इसमें, वही अब हम लोग उड़पी कृष्ण का नाम से हम लोग मंदिर जानते हैं ना, वही कृष्ण उनको उससे मिला। ऐसे हम लोग अलग 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 व्यापारी जो लोग थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान का सेवा अपने जो भी प्रॉफिट होता था वो भगवान के सेवा में यूज करते थे। ऐसे हम लोग नरसिंह शेठ का भी हम लोग कहानी में देखते, ये कितने शुद्ध भक्त थे। भगवान बोलते है ना, जो मेरा भक्त है उसका मैं सब हर लेता हूँ, सब हरी हरी यानी सब हरण करता है, और उनको जो भक्ति मार्ग में जो बाधा आता है उसको सब मिटा देके सिर्फ भगवान के चरण में ही उनका मति रहे, ऐसे भगवान कर देते। हम लोग बहुत कहानी में हम लोग देखते, इसके लिए लोग डरते भगवान की, कृष्ण के पूजा, अरे बाबा कृष्ण का पूजा करेगा तो कृष्ण सब हर लेते हैं, मगर उसको कितना देते हैं वो जानते नहीं। देखिए बलि महाराज तीन पग जमीन देते बोला था, वचन दिया, तो वामन देव ने एक पग में पूरा पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में आकाश का ये किया, फिर तीसरे पग कहाँ रखो, तो बलि महाराज ने बोला अपने सर के ऊपर। तो भगवान ने इतनी कृपा की उनके ऊपर, बलि महाराज के ऊपर वामन देव ने, आज भी 12 महाजनों के नाम पे उनका नाम ले रहे हो, इतने
धन संपत्ति सुतल लोक में उनके लिए महल बना के उनको सब उनके दादा प्रहलाद महाराज जी सब 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 सबों को उधर रखा और खुद द्वारपालक बन के उनके दरवाजे पे खड़े रहे। भगवान भगवान हम लोग को लगता है हमसे अगर हम लोग भगवान को एक थोड़ा सा पत्ता रहने दो फूल रहने फल रहने जल अर्पण करे वो भगवान नहीं रखते हैं, वो उसको हम लोग को छप्पर फाड़ के उसके बदले में देते हैं। हमारा कुछ वो भगवान रखते नहीं है। हम लोग जो भी मन से भगवान को अर्पण करें इसके लिए बोलते हैं ना भगवान को जो सेवा करना है तो मन पूरा करना चाहिए क्योंकि भगवान उसका हमारा रूम नहीं रखते, भगवान देते। ये जो वैश्य जो लोग थे हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों को दान देना उनका रक्षणा करने करते थे और अपने जो भी उत्पादन आता है उत्पादन मिलता है उनको सभी तरह से उसका वितरण करते थे। उसमें जो भी उनको लाभ मिला तो उसको भगवान का सेवा। संत तुकाराम महाराज का भी एक स्टोरी में देखते हैं ना, मतलब वो जब ये वो खेत में कीर्तन करते बैठे थे खेत में वो रखवाली करते बैठे थे वो इतना भजन में मग्न हो जाते तो गाय बैल आके वो सब उनका खेत का फसल खाके जाते तो खेती का मालिक आके इनको डांटता है संत तुकाराम महाराज को क्या रखवाली कर रहे देखो सब गाय बैल आके आके सब खा गया। तो फिर भी वो संत तुकाराम महाराज वो अपने भक्ति में भजन में ही लगा रखे। जब भी उसका खेती का फसल आ गया मालिक ने उसको फसल को तोला तो उसको हर बरस कितना मिलने का उसका 4 गुना उसको ज्यादा मिलता है। फसल जो गेहूं या चावल उसने लगाया था उसका 4 गुना मिलता है उसको। वो तुरंत संत तुकाराम महाराज को देते तो महाराज बोलते ये सबको तो संत तुकाराम महाराज का हम लोग देखते। संत तुकाराम महाराज भी एक वणिक था व्यापारी था वो भी व्यापारी थे। ऐसे हम लोग बहुत लोगों का हम लोग कहानी देखते जो भगवान का शुद्ध भक्त है जब वह अकिंचन हो जाता है। जब ये कुंजी महारानी भी प्रार्थना करते है ना हे प्रभु आप अकिंचन मान देना, अकिंचन जो जिसके पास कुछ नहीं है उसका आप रक्षक हो। क्योंकि जब भी पांडव लोगों के पास कुछ नहीं था वो लोग वनवास में थे कुछ नहीं था उनके पास तभी भगवान हमेशा उनका रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा रहते थे उनके पास। कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि भगवान आप हमेशा हमें कष्ट दे दो, कष्टों के समय आप हमेशा हमारा रक्षा करते, हमें सुख नहीं चाहिए हमें कष्ट ही कष्ट दे दो ताकि कष्ट में आप हमारा सहाय करते। इधर बता रहे हैं पुरातन काल से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जीवन की सब आवश्यकताएं उपलब्ध कर दी जाती थी क्योंकि उनके पास जीविकोपार्जन के लिए समय ही नहीं था। ब्राह्मणों के पास कमाई करने के लिए जाने के लिए समय नहीं था, वो पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन स्मरण पठन पाठन इसी में रहते थे। इसके वजह से क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी जो अपने पास खेती में अपने इसमें कुछ उगा है वो लाके ब्राह्मणों को देते थे। ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं है, जो भी संस्कार जो करना है शुद्धि संस्कार नामकरण संस्कारण गर्भधान संस्कार सब जब जब सब जो संस्कार करना है उसके लिए ब्राह्मण का जरूरत पड़ता है। इसके लिए सभी तीनों वर्ग क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्ग के लोग ब्राह्मण के सब सेवा करते थे। सब लोग क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों से कर वसूल करते थे किंतु ब्राह्मण आयकर और भूमि कर दोनों से मुक्त थे। ब्राह्मण के पास ब्राह्मण को टैक्स नहीं लगता था क्योंकि वो लोग कमाते नहीं ना, और क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों से राजा लोग कर वसूल करते थे, उनको टैक्स भरने का था, मगर ब्राह्मणों से ब्राह्मण उसे भूमि करों से मुक्त थे। मानव समाज की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि उसमें राजनीतिक सामाजिक आर्थिक आंदोलन का
एकांत अभाव था। फिर में हम लोग सब अच्छे से प्यार से रहते थे, सब लोग वो लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते, ब्राह्मण लोग आए तो भी शूद्र करके उनको ये नहीं करके उनको भी सम्मान देते थे, क्षत्रिय राजा आएगा तो राजा को भी सम्मान करते थे, व्यापारी आए तो व्यापारी, सब चारों वर्ण के लोग ऐसे घुल मिल के, जैसे दूध में शक्कर डाले को तो घुल मिल के स्वाद हो जाता, ऐसे चारों वर्ण के लोग मिल के रहते थे, कोई किसी का ये नहीं करता था। हम लोग इसमें भी देखते भगवान के ये सब कथा आते हैं ना भागवत में, बहुत सारे कथा है उसमें हम लोग देखते हैं, ये जो भक्त लोग है, जो भक्त लोग है किस तरह भगवान के सेवा में अपना जीवन समाते थे, भगवान के सेवा में करते थे। इसीलिए विभिन्न प्रकार के जाति और वर्णों के वर्गीकरण मानव समाज की शांति पूर्ण स्थिति के लिए अनिवार्य है। भगवान बता रहे शांति पूर्ण स्थिति से रहना है तो चार वर्ण का, इधर हम लोग कलयुग में, ये अभी कलयुग में हम लोग चातुर्वर्ण ने क्या है, ये स्पिरिचुअल भगवान ने बनाया चातुर्वर्ण और अभी का चातुर्वर्ण में पूरा अंतर है। जैसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, आध्यात्मिक जो जगत का जो है उसका रिफ्लेक्शन उल्टा, आध्यात्मिक जगत में प्रेम कैसा है, वो शुद्ध प्रेम है, इधर क्या है सब विशुद्ध प्रेम, तो आध्यात्मिक जगत में जो है उसका उल्टा प्रतिबिंब इधर भौतिक जगत में, ये इधर सभी अपने अपने को महान बना रहे, सब लोग अपने अपने को मेन राजा बना, अपने को मालिक, ये माया में फंसे हुए लोग अपने को मालिक समझते हैं, वही मालिक हूँ वही मालिक, मगर माया ऐसा ठोकर देके उनको दास बनाती है, उनको समझाती है आप लोग मालिक नहीं है, आप लोग इधर दास है, एक ही मालिक है ईश्वर भगवान कृष्ण, एक ही मालिक है, आप लोग सब दास है, ये माया सिखाती है। फिर भी हम मूर्ख लोग भगवान को मानते नहीं, अपने अहंकार के कारण अहंकार वश अपने आप को मालिक, थोड़ा सा भी धन आ गया, थोड़ा सा भी ज्ञान आ गया, थोड़ा सा भी बुद्धि आ गया तो अपने आप को सबसे महान 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 बताते, मगर ऐसा नहीं है। भगवान बता रहे चैतन्य महाप्रभु हमको हमें सिखा रहे, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। मनुष्यों का ऐसा जीवन होना चाहिए, घास से तिनके से भी मुलायम, वृक्ष से भी सहिष्णु, जो मान नहीं देगा भले हम लोग को मान नहीं देगा तो भी हमें मान दे रहे, और हमेशा हम लोग को कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन में लगा रहना चाहिए। ऐसे हम लोग सुभाषित और संस्कृत में बहुत देखते हैं, विद्या विनय संपन्न, विद्या हमेशा विनय, विद्या जिनके पास पांडित्य रहता है, सिखा हुआ पंडित लोग रहते हैं उसके अंदर, सचमुच जो पंडित है उनके अंदर विनय रहता है, मगर आधा मधा जो पंडित रहते हैं वो लोग अपने आप को अहंकार, मैं सबसे बड़ा हूँ, पंचवेदी हूँ, त्रिपाठी हूँ, चौपाठी हूँ बोलते हैं, जो सच्चे विद्वान रहते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहते हैं, हमेशा झुका। विद्या विनय, विद्या को विनय से संपन्न होना चाहिए, अगर विद्या में विनय नहीं है तो वो किस काम का है। हम लोग अभी भी वृंदावन में जाते हैं, सेवा कुंज निधिवन में देखते हैं, हम उधर का झाड़ सब ऐसा झुका हुआ है, भगवान के चरण रज उधर का रज को स्पर्श कर रहा है, इतना झुका हुआ अभी भी हम लोग देखते हैं। जो हमारे अंदर जो भी भगवान ने दिया हुआ शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। जो भी हम अभी हम लोग पूरा पढ़ के आए भागवतम में, सब ये विदुर मैत्री का संवाद में पूरा पूरा हमारा शरीर में पंच तत्व, ये 23 गुण सब 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 के अंदर भगवान अवस्थित है। भगवान किधर नहीं है ऐसा नहीं, अपने इंद्रियों के ऊपर, पलके के ऊपर, कान में, नाक में, जुआ में, सब जगह भगवान का वास्ता है। ये शरीर भगवान ने दिया हुआ हमें गिफ्ट है, भगवान के द्वारा मिला हुआ ये हम लोग का ही गिफ्ट को
हम लोग को भगवान की सेवा में ही अर्पण करना। अगर हम लोग इस शरीर को भगवान की सेवा के लिए हम लोग यूज नहीं करें, वो मृत शरीर, उसका कुछ वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू नहीं, वो मृत शरीर। भगवान की सेवा में आपका माता, भगवान के चरण में माता नहीं देखे तो वो माता को भोपड़ा बोलते। जो आंख भगवान के दर्शन नहीं करे तो ये आंख का पीकॉक का फेदर के अंदर आंख है ना, वो बोलते। जिस कान से हम लोग भगवान का कथा का कीर्तन श्रवण नहीं करते, ये कान सांप का बिल है। ये मुंह से जब हम लोग भगवान की भजन नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करते, ये मेंढक का जैसा टर टर, मेंढक का जो ऐसे हम लोग इसमें देखते कि चातुर्वर्ण भगवान ने हम लोग को अच्छे से भगवान की सेवा करने के लिए ये हम लोग को भगवान ने निर्माण किया है, चातुर्वर्ण विभाग किया है। आजकल एक हम लोग देखते हैं चातुर्वर्ण ने, वो अलग ही ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, क्षत्रिय अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, वैश्य अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, शूद्र अपने आप को श्रेष्ठ। मगर ये आजकल चातुर्वर्ण है ही नहीं है, इसके लिए हम लोग इधर हम लोग चातुर्वर्ण का परिभाषा नहीं देख सकते। पहले हम लोग देखते हैं ना, पहले जैसे बच्चे लोग 5-6 बरस के हुए तो उनको गुरुकुल में भेज देते थे। गुरुकुल में गुरु उसको तभी उधर गुरुकुल में उसको जनेवा मिलता था, क्योंकि तभी जनेवा देके उसको शास्त्र पढ़ाते थे। उसको हम लोग क्षत्रिय वैश्य और लोग बच्चों को बचपन से गुरुकुल में भेज देते थे। वो प्रथा थी, तभी वो गुरुकुल में गुरु की सेवा, गुरु पत्नी की सेवा, गुरु को पूरा पूरा क्या करने का, और सब ज्ञान प्राप्त करते थे। उस ज्ञान में भी जो चाहे इधर बता रहे, व्यापार में भी अलग अलग प्रकार के व्यापार है। जो तेल का व्यापारी बोल रहता है, कपड़े का बनाने वाला व्यापारी, गोल्ड सोना बनाने वाला अपना व्यापारी, मसाला सामान बिकने वाला व्यापारी, और अलग अलग जमींदार और साहूकार, ऐसे अलग 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 हम लोग व्यापारियों को देखते हैं। मतलब व्यापार में भी अलग अलग टाइप है, अलग अलग अरे वो सब अपने धर्म को निभाते थे, अपना धर्म मेरे अपना जो कर्तव्य करते करते भगवान का सेवा करना। बस ये मेन है, भगवान का सेवा मेन है। जो भी हम लोग वृत्ति करे भगवान का सेवा मेन है। अर्जुन को भगवान बता रहे ना, अर्जुन जब भी मैं लड़ाई नहीं करेगा, मैं जाके जंगल में जाके रहेगा, भीख मांग के रहेगा, मैं अकेला रहेगा जंगल में, तभी भगवान तो नहीं, हर एक को अपना कर्तव्य करना ही चाहिए, कर्तव्य करना ही हर एक का धर्म है। कर्तव्य कर कैसे, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते 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 हम लोग को अपना कर्तव्य करना, हर एक को कर्तव्य किए बिना नहीं रह सकते। बता रहे गर्मी में भी औरतें खाना पकाती है, ठंडी में भी सब भक्त लोग ठंडी में भी पानी में ठंडा पानी में नहाते हैं, ये सब जो है अपना एक कर्तव्य को हम लोग को निभाना है, हर एक को अपना अपना कर्तव्य निभाने का भगवान बता रहे इधर हम लोग को। ये कष्ट सुख सो ये सब आने वाला है, मगर सबको सहन करते करते भगवान का सेवा यही मेन है। हमारा जीव जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमें जब भी हम लोग गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु से हम लोग वचन सुनेंगे, तभी हम लोग को सत्संग में रहेंगे तो हमारा स्वरूप का हमें ज्ञान मिलेगा। अगर हम लोग गुरु के शरण सत्संग में नहीं, भगवान के भक्तों के संग में नहीं रहेगा तो हम लोग अपना स्वरूप को भूल जाएंगे और अपने आप को मालिक मानते घूमेंगे। अभी भी सब लोग देखते हैं ना अपने आप को हीरो, अपने आप को हीरोइन, सब वैसे ही अभी देख रहे हैं हम लोग सब लोग। मगर जब भी हम लोग सत्संग में रहेंगे, भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, गुरु के शरण में रहेंगे, तो हमें हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही सिखाते, गोपी भर्तृ पद कमलोन दासानु 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 दास,
गोपी के चरण कमल के हम लोग दास के दास के दास के दास के दास है। हम लोग ऐसे इतना अपने आप को नम्र तुच्छ मानना चाहिए, अपने आप को मालिक नहीं मानना चाहिए। इधर हम लोग मालिक है ही नहीं, मालिक तो परम पिता भगवान है। एक इस प्रकार भगवान ये चारों वर्णों के बारे में हम लोग को सिखा रहे, ये अपना अपना कर्तव्य निभाते निभाते भगवान का आज्ञा का पालन करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का स्तुति करना चाहिए। ऐसे करने से हम लोग शांति से सुख से रह सके। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।